नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमेश। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया। घटना के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि छोटी पुल के पास एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हुई है। मृतक महिला का शव घंटों सड़क पर पड़ा रहा, जबकि पुलिस नदारद रही। वहीं स्थानीय लोगों ने मृतक महिला के शव के पास बीच रोड में बैठकर चक्का जाम कर दिया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। वहीं आवागमन बाधित होने से राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सड़क हादसे में महिला की मौत की सूचना के बाद भी पुलिस के न पहुँचने पर स्थानीय लोगों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की है। किसी को आप दोस्त नहीं दे सकते हैं। गाड़ी नहीं जाएगी, आप बात करेंगे विकास की। गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी नहीं जाएगी। प्रशासन व्यवस्था गलत है, बिल्कुल नहीं जाएगी। हमें ध्यान देना चाहिए, हर जन प्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए। भारी वाहनों को आना जाना बंद करो, भारी वाहनों को आना जाना बंद करो, बंद करो। आम जनता की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आम जनता की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अजय शुक्ला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अजय शुक्ला मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। रीवा बुधाया घिंजड़ा है, घिंजड़ा है, घिंजड़ा है। ये बताइए, बताइए। कितना टाइम हो गया भैया एक्सीडेंट हो गए? ये एक्सीडेंट हुए लगभग 40 से 45 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर आज कोई नेता नहीं, कोई प्रशासन नहीं, पार्षद बैठे हुए हैं बाढ़ के, वार्ड नंबर 5 के पार्षद बैठे हुए हैं। उसके इनके अलावा कोई भी शासन प्रशासन पुलिस कोई भी आने की यहाँ हिम्मत नहीं कर रहा है। इस तरह दर्दनाक अगर मौत होगी रोड में, सड़कों में लोगों की, तो हम लोग रोड में चलना बंद हो जाएगा। कोई नेता शासन कह दे कि हम लोग रोड में ना चले, अब रोड सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग रोड में चलना बंद कर देंगे। ये देखिए, है। ये देखिए। और ये देखिए क्या हालात है लोगों के। यहाँ के राजेंद्र शुक्ला है, रीवा विधानसभा क्षेत्र के, रीवा के छोटे पुल के बगल का मामला है, ये नेशनल हाईवे का मामला है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप ये देख लीजिए क्या हालात है। कोई नेता विधायक 55 मिनट हो गया है, 55 मिनट हो गया है, कोई भी गतिविधियाँ नहीं आ रही है, फोन लग चुका है, उसके बाद भी नहीं कोई हो चुका है। एक घंटे में कोई नहीं आया, व्यवस्था नहीं हो रही है। पुलिस शासन है, ये प्रशासन है, किस तरह की दहशत है। अभी पुलिस नहीं आई, पुलिस नहीं आई, अभी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, पुलिस कोई नहीं आ रहा। उनके जो है परिजन है और आम जनता है, आज बसों के और कोई नहीं है। बात कितने लोगों की मौत हुई है जी, कितने लोगों की मौत हुई है? ये सामने आपके देख रही हैं, ये महिला हैं, इनकी मौत हुई है। ट्रक ने साथ जो है कढ़ेल के यहाँ पर लाया है, वो मोटरसाइकिल वहाँ पे स्थान पे एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ तक ट्रक वाले कढ़ेल के लाए हैं। रीवा शहर के अंदर पूरी तरह ट्रकों की नो एंट्री होनी चाहिए, आए दिन ये घटनाएं होती है। आप देख लीजिए इससे पहले स्कूल से कितनी घटनाएं हुई है। टोटल एंट्री एसपी कलेक्टर को जाती है, पुलिस वाले वसूलते हैं। अभी आपने पेपर, मीडिया के लोग हैं तो पेपर पढ़े होंगे, कुछ दिन पहले बाईपास में जो है वसूली जाती है, तो पैसा वसूलने के लिए यहाँ के नेता विधायक मंत्री तमाम लोग हैं। ये किसके सहाय में चलता है? ये शुक्ला
देखिए ये सह स्थानीय विधायक कोई नहीं आता है। ये क्या है, सह के रूप में मैं नहीं कह सकता, कोई प्रमाण नहीं मेरे पास किसके रूप में चलता है, किंतु जो है ये समझ लीजिए कि इस तरह की जो हत्याएं हो रही हैं उसके जिम्मेदार जो है यहाँ का प्रशासन और प्रशासन है, उसकी जिम्मेदारी है शहर के अंदर भारी वाहन जो है किसी भी समय नहीं आने चाहिए। रीवा जो है आज के डेट में विकसित शहर है, उसमें उसके अंदर ये अभी मैं निकल रहा था, बाजार से आ रहा था, तो पता चला कि एक्सीडेंट हो गया और पूरी गाड़ी जो है पहचानने योग्य नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं तो मानता हूँ कि ये हमारे रीवा जिले की पुलिस की लापरवाही है, जो नो एंट्री होते हुए भी भारी वाहनों को, बाईपास बना हुआ है, बाईपास से जाना चाहिए भारी वाहनों को। और शहरी क्षेत्र में सबसे पहले तो दोष मैं रीवा में जो CSP आई हैं उनको दोष दूंगा कि आपको मात्र हाकर और बालू माफिया जहां है वहां छापा मारने का टाइम है, जहां ओवरलोडिंग गाड़ी रात में जा रही है उनको देखने का आपको जिम्मेदारी नहीं है। इस तरीके की इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, ट्रांसपोर्ट खुला हुआ है जी, कई दुकानें खुल गई हैं, रोज ट्रक आना जाना किसकी सहायता हो रहा है? ये पूरा पुलिस के विभाग की सहायता, पुलिस के सहायता पे कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं खुल सकता जब पुलिस नहीं दी। पुलिस जब तक घूस लेना बंद नहीं करेगी माननीय, तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। स्थानीय प्रशासन ये भी शासन की हमारे आप पत्रकार हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे भाई हैं, आप ये बताइए इसके पहले भी SP थे रीवा में, इसके पहले भी CSP थे रीवा में, जब से ना ऐसी घटनाएं नहीं घटी थी। सुनिए, बार नंबर 5 वहां से लगा हुआ है, इतनी चोरी की घटनाएं, लूट की घटनाएं, कितनी घटनाएं घटित हो रही, हम लोग ज्ञापन देते भाग रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। या आज एक महिला, एक जी आपका कहना है ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, स्थानीय शासन जो सत्ताधारी है उनके उनके बिना सहमति के ट्रांसपोर्ट नहीं खुल सकता बस्ती के अंदर, क्या मानते हैं आप? तो निश्चित तौर पर हम मानेंगे, ये मानते हैं, ये मानेंगे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि उनकी शायद पर ये जल प्रतिनिधि भी दोषी है भाई। हम कहते हैं अगर हम दोषी हैं तो आप चौथे स्तंभ है देश के, आपको बता जाए कि ऐसा काम जनप्रतिनिधि रहा। कई परिजनों का आरोप है कि पुलिस से 2 घंटे बाद लेट में पहुंची है। सबसे पहले पुलिस ही पहुंची है, जैसे डायल 100 के माध्यम से सूचना मिली है, पुलिस ने आके यहाँ कंट्रोल किया, ट्रैफिक को कंट्रोल किया, ताकि जो बॉडी है जिसका एक्सीडेंट हो गया है उस पर से कोई चढ़ाते ना जाए, उसमें पुलिस ने पूरा कंट्रोल किया। तत्काल पुलिस 2 मिनट के अंदर पहुंची है और जो आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर निराधार है, इसमें गैलरी में भी चेक करवाया जा सकता है। और साथ ही हमने बॉडी को शिफ्ट करवा दिया है और परिजनों को कन्विंस भी किया है कि जो भी संबंधित ट्रक है जिसके द्वारा एक्सीडेंट किया गया है उसको जल्दी से जल्दी ढूंढ लिया जाएगा, इसके लिए हमारी टीम अभी से लग गई है। गाड़ी में तोड़फोड़ की है, उसका भी हम पता लगा रहे हैं कि किन लोगों ने तोड़फोड़ की है, क्योंकि ये तरीका गलत है, विरोध करने का विरोध प्रदर्शन भी एक जायज तरीके से होना चाहिए, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। ट्रांसपोर्ट के संबंध में कार्रवाई RTO डिपार्टमेंट करता है, उसमें पुलिस मदद भी करती है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि सभी डिपार्टमेंट जिनकी जिम्मेदारी है इसमें कार्रवाई करें। यही बताया जा रहा है मैडम कि